बाद में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में लद्दाख के 29 छात्रों ने हिस्सा लिया है। लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके मेहता और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों ने छात्रों को हरी झंडी दिखाकर फरीदाबाद के लिए रवाना किया। ये दूसरी बार है जब लेह और कारगिल के छात्र राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। आपको प्रेजेंट करने का भी प्लेटफॉर्म है। बहुत खुशी महसूस हो रही है सर, हमें अपने आप को बहुत लकी महसूस हो रहा है कि हमें ऐसा मौका मिला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका। अच्छा, क्या आपने पहली बार भी पार्टिसिपेट करा? भोपाल में जब हुआ था तब भी मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में ना ही हमें साइंस के बारे में जानने का मौका मिलता है, हमें बाकी लीडिंग साइंटिस्ट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा ये एक फेस्टिवल है जिसमें मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे शाम को कल्चरल परफॉर्मेंस भी होता है, मतलब ये पूरा मेला जैसा है जिसमें हम इंजॉय करते करते कुछ सीखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस एंड वेबा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों के कोलेबोरेशन में 2015 से पूरे जितने भी थ्रू आउट द कंट्री में जितने भी साइंस का कंट्रीब्यूशन है, साइंस का अचीवमेंट है, उसका एक शो केस है और उसका एक अचीवमेंट का सेलिब्रेशन के रूप में इसको मनाया जा रहा है 2015 से। और पिछले साल से हमारे बच्चों को भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। पिछले बार भोपाल गया था, इस बार फरीदाबाद जा रहा है। और इसमें चार दिन के फेस्टिवल में बच्चों के लिए अलग से वहाँ पे प्रोग्राम है, हर एक सेक्टर में, लैंग्वेज में भी है, अपने लैंग्वेज को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी उसमें साइंस का प्रेजेंट कर सकते हैं। उस मेन फोकस है बच्चों का इनोवेशन,